हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z7S 5G फ़ोन है, तो IQ Z7S 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल्स ऑप्शन है, तो कॉलर आईडी स्पैम कॉल ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं IQ Z7S 5G फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं IQ Z7S 5G फ़ोन में और कॉलर आईडी को कैसे स्पैम कॉल प्रोडक्शंस को शो कर सकते हैं कॉलिंग्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको इसमें से सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, जैसे आप बैक करते हैं और आपको फ़ोन आइकन्स पे जाना है, तो फ़ोन आइकन्स पे जाकर आप जैसे कोई भी कॉल्स आ रही है और आपको पता नहीं है कौन सी कॉल है, फ्रॉड या अननोन कॉल्स है, तो आपको सिर्फ थ्री थ्री डॉट पे जाकर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। फिर आपको कॉलर आईडी पे जाना है और कॉलर आईडी को यहाँ से इनेबल कर देना है, यानी ऑन कर देना है। ऑन करती जो भी आपकी कॉल्स वगैरह हैं आपके फ़ोन में शो हो जाएगी और जो भी स्पैम कॉल्स है आपके फ़ोन में पता चल जाएगा। सिंपली आप फिल्टर स्पैम कॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़रिए जो भी आपके फ़ोन में कॉल्स वगैरह आती है तो आपकी कॉलिंग्स के बैकग्राउंड में आपको पता चल जाएगा कि स्पैम कॉल्स वगैरह शो हो जाएगा या फ्रॉड कॉल्स वगैरह जो भी होगा आपके फ़ोन में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं या फिर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप अनाउंस कर सकते हैं कोई भी स्पैम कॉल्स या कोई भी आपकी कॉल्स आती है तो आपको अनाउंस के ज़रिए पता चल जाएगा, यानी वॉइस के ज़रिए पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं IQ Z7S 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो